बिहार के टॉपर घोटाले का पोल खुलने के बाद अब झारखंड के कोल्हान यूनिवर्सिटी में भी बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। कोल्हान यूनिवर्सिटी के जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में 500 फेल हुए छात्राओं को कॉलेज ने पास कर दिया है। वैसे इस घोटाले में कॉलेज के 10 टीचर और 4 कर्मचारी शामिल है। ये सभी छात्राएं इंटर और ग्रेजुएशन लेवल की है और ये सभी छात्राएं सत्र 2014 से 16 के बीच की है। यूनिवर्सिटी ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और इस घोटाले में शामिल सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों पे FIR होना अब तो तय है। वैसे आपको बता दें, वुमेन्स कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर पूर्णिमा कुमारी ने इस घोटाले के मामले में यूनिवर्सिटी को जांच के लिए लिखा था। उधर जांच टीम ने अपना रिपोर्ट सौंपते हुए 500 फेल छात्राओं को पास करने का खुलासा कर दिया है। वहीं वुमेन्स कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज है। वर्तमान प्रिंसिपल इस घटना को लेकर काफी गंभीर है। 2.5 साल पहले हुई इस जालसाजी की घटना पर वे पर्दा उठाना भी चाहती है। असल में ये जब मैं प्रो VC थी और यहाँ पर पूर्णिमा कुमार प्रोफेसर इंचार्ज थी, तो उनको एक आया रिजल्ट जो पहली बार देखा गया, मतलब चेकिंग तो नहीं होता है, इसको हम लोग स्क्रूटनी बोलते हैं। स्क्रूटनी में वो नो चेंज था और फिर से मैंने सेकंड टाइम स्क्रूटनी कराया गया और उसमें नंबर बढ़ गया, तो उनको थोड़ा ऑस्पिशियस लगा कि क्या बात है, स्क्रूटनी तो ऐसा कभी सेकंड टाइम होता नहीं है। तो उन्होंने लिख के यूनिवर्सिटी में दिया। उस समय मैं वहीं पर थी और हमारे वाइस चांसलर ने उसको जांच करने के लिए यहाँ टीम भेजी, तो टीम ने आके पाया कि इन 2.5 साल 3 साल के दौरान जितने भी मार्क्स में, पता नहीं इन लोगों को क्या लग रहा था कि फेल नहीं हो कोई, सबको मार्क्स बढ़ाया हुआ है, रिटोटलिंग और ये सब, तो उसका एक फिर बना के लोग ले गए हैं और वही मामला है। और इट्स वेरी सैड फॉर माय कॉलेज कि इस तरह का एक ऑटोनोमस कॉलेज की परीक्षा जो होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है, अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाए तो इट्स वेरी बैड। मतलब एक नहीं समझ में आता है कि ये क्या माजरात्रि हमको मिली, क्योंकि हम बहुत टीचर है जो बहुत अच्छे टीचर लोग हैं, लेकिन उन लोग को लगा हम जब पूछे, उन लोगों ने कहा कि मैडम एक मिनट एक नंबर के लिए फेल कर रही थी तो +1 करके दे दिया। तो हो सकता है हमको ये समझ में नहीं आया कि जो हम कर रहे हैं ये गलत है, और इसी में कुछ लोग अपना रोटी भी सेक लिए कि बहुत अधिक नंबर 20 को 40 भी बना दिए। तो ये सारी रिपोर्ट हमने बनाकर हमारी एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने हमें दे दिया विद द कॉपीज, जिस कॉपी में बढ़ी है वो हम अपने VC को देने गए। बिजली विभाग की आंख में चौनी के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिष्टुपुर स्थित JSAB GM कार्यालय पर भूख हड़ताल पर रहकर विरोध दर्ज कराया। बिजली की अनियमितता से गैर टिस्को और जुस्को इलाके के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इस भीषण गर्मी में बिजली सेवा नियमित नहीं होने से जनता का हाल बेहाल है और इस मुद्दे को लेकर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे आ गई है। विपक्षी पार्टी होने के नाते JMM बिजली की इस अनियमितता के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए बिष्टुपुर स्थित JSAB GM कार्यालय पर भूख हड़ताल किया और नारेबाजी की। चरणबद्ध तरीके से आज हम लोग इस बिजली की समस्या को लेकर आज GM ऑफिस में भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द मतलाडी नागाडी जो बागबड़ा थाना अंतर्गत आती है वहाँ पर सब स्टेशन बनाया जाए और जो भी उस क्षेत्र के जो तार पोल टूटे हुए हैं उससे दुर्घटना हो सकती है उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और देखते हैं, हम हमेशा से ही ग्रामीण क्षेत्रों के जनता के साथ, चाहे बिजली की मामला हो, स्वास्थ्य की मामला हो, शिक्षा का मामला, हमेशा से ही ठका जा रहा है। इसीलिए हमने इस बिजली को समस्या को लेकर आज GM ऑफिस में समक्ष आए हैं और ये मांग करते हैं जल्द से जल्द हमारी जो मांग है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शाम के बाद बिजली नहीं होने के कारण पढ़ नहीं पाते तो उसका एजुकेशन का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, उसी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कमर कस लिया है। अगर इस तरह का हमारे साथ अनदेखा किया जाएगा क्षेत्रों में तो हम आगे आत्मदाह करने का भी कार्यक्रम है 30 जून को, और इससे भी अगर बात नहीं बनते तो हम नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन जी के पास जाएंगे इस मामलों को लेकर और इसे मानसून सत्र विधानसभा में उठाने का हम लोग काम करेंगे। वहीं मानगो क्षेत्र की बिजली समस्याओं के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने JSAB GM ऑफिस का घेराव किया। इनका कहना है सहरी और इफ्तारी दोनों समय बिजली नहीं होने से इन्हें काफी परेशानी होती है, जल्दी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मानगो कोल चक्कर पर से ही सहरी और इफ्तारी का आयोजन कर विरोध दर्ज कराया जाएगा। अभी यहाँ है कि लाइट का इतना मानगो में प्रॉब्लम है कि लाइट जो है सहरी करते हैं तो लाइट चले जा रही है, इफ्तार करते हैं तो लाइट चले जा रही है और इतना परेशान है, रात भर नींद नहीं आ रही है, दिन में घंटे लाइट दे रही है, 3 घंटे 4 घंटे कट रहा है।
आधा घंटा लाइट दे रही है, चार घंटा लाइट कट जा रही है, तराबी में खड़ा हो रहे हैं तो लाइन चले जा रही है। इतना परेशान है वहाँ मानगो के वासी के रात रात भर जो है परेशान है, नींद नहीं आ रही है, रोड में घूम रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि अभी हम लोग जीएम ऑफिस में आए हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि इसका समाधान निकले, और क्या नाम है, और इसका समाधान नहीं निकलता है तो मानगो चौक में हम लोग सैरी भी करेंगे, वहाँ हम लोग अफ्तार भी करेंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोग को इसका समाधान नहीं निकला तो